खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस की सोच अपने विरोध को सहन नहीं कर पाती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के साथ 2019 लोकसभा चुनाव में दोबारा जीतकर आते हैं तो फिर आगे चुनाव होने की कोई गारंटी नहीं होगी। गहलोत ने कहा कि वह ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पीएम मोदी और आरएसएस का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। सीएम ने कहा कि मैं समझता हूं कि भाजपा और आरएसएस के लोग अपने विरोध को सहन नहीं कर पाते। गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र में विपक्ष क्या कहता है उसका सम्मान होना चाहिए, अपना कोई विरोधी है तो उसकी बात का भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे विरोध सहन कर ही नहीं सकते क्योंकि इनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। ये लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजनीति में उतरे हुए लोग हैं। इनके पास जनता के लिए कोई नीतियां और कार्यक्रम नहीं है जो कांग्रेस का मुकाबला कर सके। इंदिरा गांधी ने खालिस्तान नहीं बनने दिया, पाकिस्तान अलग हो रहा था देश से, जान गंवा दी, उनको मालूम था मेरी जान जाएगी, तब भी वो एक्शन किया उन्होंने और जान चली गई। क्या मोदी जी के मुँह से एक शब्द निकला इंदिरा गांधी के लिए? पंडित नेहरू 12 साल तक जेल में बंद रहे, आज़ादी के लिए 12 साल तक जेल में बंद रहे, उनके बारे में क्या क्या सोशल मीडिया में दे रहे हैं लोग? आरएसएस और बीजेपी मिलकर षड्यंत्र करके जो सोशल मीडिया चला रहे हैं, करोड़ों रुपये उसे फूंक रहे हैं। 5,000 लोगों की फौज बैठा रखी है जो आप काम यही करते रहो बदनाम करने का। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को खाली चुनाव में ही राम मंदिर याद आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक लोकतंत्र को सहज कर रखा था और अगर भारत में लोकतंत्र नहीं होता तो मोदी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू 12 साल तक जेल में रहे, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश का उदय कर दिया और 1,00,000 सैनिकों से समर्पण करवाया, क्या इसके लिए मोदी जी को गर्व नहीं होना चाहिए? कोई जवाब है उनके पास में? 15 लाख रुपए खाते में देंगे वो जुमलेबाजी हो गई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे वो खुद ही भूल गए। ब्लैक मनी के बाद में आपने कहा महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बराबर हो गए, बढ़ते ही गए, और जो वादे उन्होंने किया मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया और सब वो खाली कागजों में रह गए। आप बताइए पूरे कंट्री में लोग ढूंढ रहे हैं, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है क्या? एक भी स्मार्ट सिटी बनी है क्या 5 साल में? एक भी। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी ने चुनाव से पहले काला धन वापस लाने, हर किसी के खाते में 15-15 लाख रुपए डालने तथा 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की घोषणा की थी जो सिर्फ चुनावी जुमला साबित हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है जो देश की तकदीर का फैसला करेगा। गहलोत ने कहा कि मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि यदि मोदी अपनी पार्टी के साथ वापस चुनाव जीतकर आ गए तो आप यह बात दिमाग में रखें कि आगे चुनाव होने की कोई गारंटी नहीं होगी। 56 इंच का सीना का तो 56 इंच का सीना रखना ही चाहिए था, विपक्ष को साथ लेते, प्रेम की, मोहब्बत की, प्यार की, सद्भावना की बात करते, भाईचारे की बात करते और सबको समान लेके चलते तो मैं समझता हूँ कि आज देश की नक्शा दूसरा होता। लोग मानते थे कि मोदी जी आए हैं 10 साल भूल जाओ, वही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे और वही जो चाहेगा वो होगा, पर 5 साल में ही लोग समझ गए जुमलेबाजी है। 1 रुपया ब्लैक मनी नहीं आया दुनिया से, 1 रुपया नहीं आया, 1 रुपया नहीं आया।